आजकल मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। हम कहीं भी जाएं मोबाइल हमेशा साथ में लेकर जाते हैं। वैसे अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो इस आदत को आज से ही बदल लीजिए, क्योंकि आपकी ये बुरी आदत आपको बीमार भी कर सकती है। इतना ही नहीं, आपको गंभीर समस्याओं से भी गुजरना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि पुराने समय में लोग समय बचाने के लिए बाथरूम में अखबार और मैगजीन लेकर जाते थे, लेकिन अब इसकी जगह मोबाइल फोन ने ले ली है, जिसका इस्तेमाल हम घंटों भर करते हैं। हम सारे सोशल साइट का इस्तेमाल बाथरूम में ही बैठकर करते हैं और दुनिया भर की खबरों को देखते हैं, लेकिन आप ऐसा करके बीमारियों को अपने पास बुला रहे हैं। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि शौचालय में मोबाइल फोन ले जाना कैसे आपको संक्रमित कर सकता है। दरअसल इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा कीटाणु हमारे बाथरूम में ही होते हैं। पानी का नल, दरवाजों की कुंडी पर सबसे ज्यादा कीटाणु होते हैं, जो आपको कभी नजर नहीं आते। जब आप फ्रेश होने के वक्त मोबाइल लेकर जाते हैं तो आपका फोन मल बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाता है। ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप फ्लश का इस्तेमाल करते हैं। वहीं बाथरूम में फोन ले जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसके बारे में पहले जान लीजिए। दरअसल एरियोजना की एक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता के अध्ययन में सामने आया है कि स्मार्टफोन में टॉयलेट सीट से 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया पनपते हैं। जब मल त्याग के बाद हाथ धोते हैं तो स्मार्टफोन को साफ करना हम भूल जाते हैं, नतीजन ये संक्रमण का कारण बनते हैं। वैसे आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को कितना भी आसान क्यों ना बना दिया हो, लेकिन हर वक्त इसका उपयोग करना हमें तनाव ही देता है। बाथरूम में अगर आप फोन का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको अवसाद होना अस्वाभाविक है। फोन को बाथरूम में ले जाकर आप अपने दिमाग और स्वास्थ्य दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही बता दें कि बाथरूम में मोबाइल का उपयोग करने का एक और हेल्थ रिस्क है, दरअसल बवासीर। जो लोग बाथरूम में अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं, जाहिर बात है वे ज्यादा समय बाथरूम में ही बिताते हैं। लंबे समय तक शौच में बैठे रहने से रक्तस्राव की समस्या भी हो सकती है, जो बवासीर का प्रमुख कारण है। वैसे एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी को मल त्याग के दौरान 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। वैसे आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो समय बचाने के लिए बाथरूम में ही फोन का इस्तेमाल करते होंगे, तो आप ऐसा करना आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि ये शायद आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ।